Hello, assalamu alaikum. You're watching BSports presents Mood Swings, and we are going to be discussing jo maine promise kiya tha ki LPL chal rahi hai, Lanka Premier League, us bare mein baat karenge, jo ki aap dekh sakte hain PTV Sports aur Jio Super pe. Aaj hum kis bare mein baat karne wale hain? Of course, we have a Pakistani team there, Galle Gladiators, and the good news is that they are in the semi-finals. कौन थे स्टार परफॉर्मर्स, उससे पहले बात करने से पहले वहां पर मेंशन जरूर करेंगे. एक यूट्यूब क्विज है हमारा, अनाउंस करते हैं, जिसमें आप जीत सकते हैं BSports की तरफ से स्पेशल गिफ्ट. आपने बताना है कि सेमीफाइनल शुरू होने से पहले, अभी तक यानी जो ग्रुप स्टेज हो चुकी है, LPL का टॉप स्कोरर कौन है, वो आपने कॉमेंट्स में बताना है. कॉन्टेस्ट लिख के लिखिए, एंड यू माइट विन लकी गिफ्ट फ्रॉम BSports. एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टार परफॉर्मर्स, जिसकी वजह से Galle Gladiators जो है वो पहुंच चुका है सेमीफाइनल में. द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स नन अदर देन मोहम्मद आमिर. मोहम्मद आमिर जो है वो झलकियां दिखा रहे हैं 11 फॉर 2. आमिर इज आल्सो द फर्स्ट बॉलर इन LPL टू गेट द 5 जो 5 विकेट 5 विकेट हॉल है, वो आमिर बिकेम द फर्स्ट बॉलर इन LPL टू गेट दैट. और आमिर की वजह से जो है वो उनकी जो शानदार बॉलिंग है, 4 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट, जिस तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन को आउटक्लास किया है, आई थिंक आमिर को दाद देनी पड़ेगी इस परफॉर्मेंस के लिए, स्पेशली जब उनके ऊपर इतने बात चल रही थी, स्पेशली उनको न्यूजीलैंड टूर से जो ड्रॉप किया गया था. उसके बाद जो है मोहम्मद आमिर ने एक काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है, 5 विकेट भी लिए. हाँ, वो कंसिस्टेंसी का एक इशू रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. एंड द सेकेंड टॉप परफॉर्मर नहीं बोलूंगा, ये है तो फर्स्ट टॉप परफॉर्मर, बिकॉज He has been scoring runs इनके लिए. LPL ऐसा लग रहा है smoothly इनके बल्ले से, बस जो ये शॉट खेलते हैं वो लग जाता है, जहां ये बॉल मारते हैं वो बाउंड्री पे जाती है. धनुष का, गुना तिलक का fantastic performance yet again, 94 runs of 66 balls. और Galle Gladiators को अगर आगे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का कहेंगे है तो वो है धनुष का, गुना तिलक का. अब हम बात करेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, क्योंकि अब नॉकआउट स्टेज है. कौन होंगे टॉप परफॉर्मर्स जिन पे जो है Galle Gladiators लाइक कर रही होगी? Galle Gladiators की अगर हम बात करें, नंबर 4 पर जिस पे रिलाय कर रहे होंगे कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं ऑपोजिशन को, वो है नवान तुषारा. वेल, नवान तुषारा के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम दिखा भी दें हमारे लोगों को नवान तुषारा कौन है, जी, क्योंकि ये एक अपकमिंग राइजिंग स्टार हैं, जूनियर मलिंगा बोले, इनका एक्शन बिल्कुल मलिंगा जैसा है, जड़ में बॉल करते हैं, अच्छी बॉल करते हैं. एक मसला जो सिर्फ दिख रहा है इस वक्त वो ये है कि नवान तुषारा पिछले गेम में इंजर्ड हो गए थे, तो क्या वो अगले गेम तक सेमीफाइनल तक फिट हो जाएंगे? बिकॉज Galle Gladiators जो है वो नवान तुषारा पे कहीं ना कहीं रिलाय जरूर कर रहे होते हैं. उसके बाद नंबर 3 पर अगर हम कहें, नंबर 3 पे आई थिंक एवरीवन नोज हिम नाउ, बाय नाउ ही इज अ फिशरमैन, अगर हम इनकी लाइन में बोले, जो इन्होंने डेल स्टेट को कहा, आजम खान जो है, यू नो, कंट्रोवर्सी फेवरेट चाइल्ड, हैज बीन प्रूविंग पीपल रॉन्ग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. PSL में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से काफी हिटर्स को चुप कराया, LPL में गए Galle Gladiators से खेलते हुए भी काफी लोगों को अपनी परफॉर्मेंस से चुप कराया. He has been living up to, how his, जो उनका उनके ब्लड में क्रिकेट है, और वो साबित कर रहे हैं कि he is there on merit and the way he has been playing. I think Galle Gladiators को उनकी शानदार इनिंग्स की जरूरत होगी सेमीफाइनल में. अच्छा, जो मैं आप लोगों के जो सवालात हैं वो आप लिखते रहें, मैं आपको सवालात के जवाब भी देता रहूंगा. मीनवाइल मैं आपको बता दूं, मैंने YouTube कॉन्टेस्ट अनाउंस किया हुआ है, आपने बताना है कि सेमीफाइनल की से पहले जो ये ग्रुप स्टेज गई है LPL की, इसमें टॉप स्कोरर कौन है? कॉन्टेस्ट लिख के लिखिए कमेंट्स में कि कौन है टॉप स्कोरर. वेल, नंबर 2 पे है, विद नो सरप्राइजेस हियर, वी हैव मोहम्मद आमिर. मोहम्मद आमिर की अगर हम बात करें, 5 विकेट ली एक मैच में, फिर पिछले मैच में जो Galle Gladiators जीता, 4 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट लिए हैं. तो मोहम्मद आमिर का जो रोल है वो सेमीफाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा. जी हाँ, कंसिस्टेंसी का एक इशू रहा है मोहम्मद आमिर का, बिल्कुल रहा है, LPL में भी रहा है. कई ऐसे मैचेस हैं जहां पर आमिर बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखे. एक मैच में तो एंड्रे रसल ने 2 ओवर में 46 मार दिए थे मोहम्मद आमिर को, सिर्फ आमिर की बात कर रहा हूं मैं इधर. सो आमिर को अपनी वो जो एक लगन से जो वो बॉल करते हैं, जो पिछले गेम में दिख रहे थे, उसी तरीके से करना होगा ताकि गोल को अगर फाइनल में पहुंचना है. एंड नंबर 1 पे वी डोंट हैव एनी सरप्राइजेस, आई डोंट थिंक हमें गेस भी करने की जरूरत है
हमारी YouTube कॉन्टेस्ट का जवाब भी यही है, हिंट भी दे दी मैंने आपको चले, विच इज धनुष्का गुनातिलका, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस यू नो बाय धनुष्का, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरीके से रन के अंबार लगाए हैं, धनुष्का गुनातिलका इज आई थिंक इस साल हो भी सकता है कि हमें PSL में सेम ओनर्स की टीम में देखें, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है वो सबके दिल जीत रहे हैं, चाहे श्रीलंका में हो, पाकिस्तान में हो, या दुनिया भर में जितने लोग LPL देख रहे हैं. सो दीज प्लेयर्स आर टू वॉच आउट फॉर. अब जो है हम आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं, एंड नदीम कासमी का है, आफरीदी है या नहीं आज के मैच में? पहली बात, आज तो कोई मैच नहीं है, ठीक है, जस्ट बाय द वे सेमीफाइनल जो है गॉल ग्लैडिएटर्स का वो कल होगा और आप वो देख सकेंगे PTV स्पोर्ट्स एंड जियो सुपर पे. एंड आफरीदी जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ही इज नॉट देयर, बट उन्होंने अपनी बेस्ट विशेस दी हैं ट्विटर पे, अगर आप देखें और वो ट्वीट भी कर रहे हैं, उन्होंने इनफैक्ट गुनातिलका के बारे में बड़ी बात लिख दी है कि वो शायद श्रीलंका के लिए अगले संगकारा बन सकते हैं. सो अब आपका एक और कमेंट लेते हैं, मोहम्मद यासिर, व्हेन इज द सेमीफाइनल मैच, प्लीज शेयर इन्फो अबाउट इट. मोहम्मद यासिर, कल है वो मैच, गॉल ग्लैडिएटर्स कल खेलेगी कोलंबो किंग्स के खिलाफ अपना मैच. और आपने यहाँ पर जो यूट्यूब कॉन्टेस्ट के, जी आप जो विनर्स लिख रहे हैं प्लीज कॉन्टेस्ट लिख के जरूर जरूर लिखे जवाब, लेकिन कॉन्टेस्ट जरूर मैंशन करें ताकि हमें पता लग जाए कि आपने कॉन्टेस्ट उसमें हिस्सा लिया है. अली बिन खालिद भी पूछ रहे हैं कि अफरीदी कौन सी टीम में है. भाई आप कौन सी LPL देख रहे थे अगर आपको ये नहीं पता, अफरीदी गॉल ग्लैडिएटर्स में थे बट सैडली उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उनको वापस आना पड़ा. फैक्ट्स टीवी का एक सवाल है, क्या मलिंगा सेमीफाइनल और फाइनल खेलेंगे? मलिंगा फॉर सम रीजन जो गॉल ग्लैडिएटर्स के साथ थे, ही कुडंट बिकम अ पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, सो मलिंगा इज नॉट देयर, बट स्टिल आई थिंक गॉल हैज डन वेल, सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है. And let's hope के वो अच्छा perform करे और अच्छा खेल के trophy पाकिस्तान क्योंकि आई जाएगी क्योंकि owners पाकिस्तानी हैं. So let's hope for the best. Well, मोहम्मद ताहिर महमूद ने मुझसे पूछा who's gonna win. देखें इसका जवाब अगर मेरे पास होता ना तो मैं इस वक्त कहीं सलाखों के पीछे या किसी ऐसे गुरुओं के हाथ लग चुका होता जो मुझसे हर बार पूछते कि भैया बताओ कौन जीतेगा, और आपने वो करना होगा. खैर आज के एपिसोड में बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम होप करते हैं कि जब आपसे मिलें तो फिर एक और अच्छी खबर के साथ आए, इसके अलावा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टूर के बारे में भी बात करेंगे, प्लस एक अच्छा कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन नहीं बोलूंगा एक वो चल रहा है कि ICC ODI टीम ऑफ द डेकेड बन रही है, तो आप वो भी अपनी मुझसे शेयर करें क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपके लिए वो टीम लेके आऊंगा जो मुझे पर्सनली लगता है जो मेरी पर्सनल चॉइस होगी, मतलब मेरी अपनी पर्सनल चॉइस भी तो हो सकती है ना, तो वो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन अपने होस्ट फैजान नजीब को दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में. कीप वॉचिंग BSports प्रेजेंट्स मोड स्विंग्स.